दोस्तों, स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल क्रिकेट लॉजिक आरके पर। आज हम बात करेंगे लखनऊ वर्सेज गुजरात टाइटंस की तरफ से जो पॉसिबल प्लेइंग 11 होने वाली है, जो आज ये जो मुकाबला 3:30 बजे दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा 3:30 पर। वेन्यू रहेगा अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ। यहाँ की एवरेज स्कोर की बात करें तो 130 से लेकर 155 के बीच में यहाँ पर एवरेज स्कोर बनने वाला है। और यहाँ पर जो विन करने के चांसेस बनते हैं तो बैटिंग फर्स्ट विन करने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर बॉलिंग पिच होने वाला है दोस्तों। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा आप बॉलर को प्रिपेयर कर सकते हो, 5 से 6 बॉलर्स आप ले सकते हो अपने टीम में। इस हिसाब देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एकना क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, यहाँ पर एवरेज स्कोर देखोगे तो 130 से लेकर 155 के बीच में जाएगा। और यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट विन करने के ज़्यादा चांसेस बनते हैं, बॉलिंग पिच है यहाँ पर, कम से कम 5 या 6 बॉलर आप यहाँ रख सकते हो। तो इस हिसाब से मैंने कॉम्बिनेशन बनाया है। यहाँ पर बैटिंग वाले सेक्शन में देख सकते हो आप, 3 ही खिलाड़ी लिए हैं, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में 2 और बॉलिंग वाले सेक्शन में 5, विकेट सेक्शन में 1। तो इस हिसाब से अगर आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो आपके विन करने के चांसेस बनते हैं। ज़्यादा देर ना गवाते हुए हम यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कैसे टीम बनेगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओपन करेंगे केएल राहुल विकेट कीपर में आते हैं, फिर आते हैं केल मायर्स, आवेश बादुनी, दीपक हुड्डा, मार्कस टॉइनिस, निकोलस पूरन, कर्नल पांड्या, यहाँ से युद्धवर सिंह और नवीन उलहक, रवि बिश्नोई, अवेश खान। और बात करते हैं यहाँ पर गुजरात की तरफ से, उर्दिमन शाह ओपन करते हैं, विकेट सेक्शन में आते हैं शुभमन गिल और सई सुदर्शन, हार्दिक पांड्या, डेविड मिलर, अभिनव मनोहर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, अल्जारी जोसेफ और मोहम्मद शामी और आपके मोहित शर्मा। यहाँ पर अल्जारी जोसेफ की जगह पर आपको दर्शन शनक्का भी खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, और ऑर्डन स्मिथ, दोनों में से किसी एक को मौका भी दिया जा सकता है, या तो राहुल तेवतिया की जगह पर या फिर अल्जारी जोसेफ की जगह पर। और इधर से बात करें लखनऊ की तरफ से तो डैनियल साम्स को भी मौका दिया जा सकता है ऑलराउंडर वाले सेक्शन में। तो ये था कुछ दोनों टीमों की तरफ से पॉसिबल प्लेइंग 11। तो अभी यहाँ पर हम सेक्शन भरेंगे, सेक्शन वाइज जो भी टीम के हिसाब से बनेगा कैप्टन वाइस कैप्टन, आपको एकदम करेक्ट कैप्टन वाइस कैप्टन लगने वाला है इस टीम में। ये टीम कल 10 से 15 मैच टीम बनाने वाले के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है कल का मैच। तो चलो ज़्यादा देर ना गवाते हुए, यहाँ पर विकेट वाले सेक्शन में आपको अगर 2 प्लेयर रखना ही है तो आरी बारी से मतलब चेंजेस करके आप यहाँ पर रख सकते हो। एक टीम में आप केएल राहुल को रख सकते हो, राहुल को यहाँ पर, और दूसरी टीम अगर बनाते हो तो वहाँ पर आप केएल राहुल के साथ में केएल मायर्स भी रख सकते हो इस टीम में। तो ये तो बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी हाल फिलहाल आप एक ही टीम के हिसाब से बनाओ। यहाँ पर केएल राहुल रहेंगे आपके विकेट वाले सेक्शन में, और यहाँ से केएल मायर्स को ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आप एक जगह पर ट्राई कर सकते हो, दूसरी जगह पर ड्रॉप कर सकते हो। मैं तो अभी आपको खाली सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मेरे टीम में केएल मायर्स जगह नहीं बनाएंगे। यहाँ पर खाली 2 सेक्शन मैंने दिखाया है, तो यहाँ पर मैं एक टीम में आपको हार्दिक पांड्या रखना है, हार्दिक पांड्या ये फिक्स प्लेयर है आपके और कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार हैं हार्दिक पांड्या। आप आग बंद करके कैप्टन बना सकते हो हार्दिक पांड्या को कल की मैच में। तो यहाँ से देखिए, 2रे सेक्शन में आपके मार्कस टॉइनिस, और अगर आप तीसरी टीम बनाते हो तो मार्कस टॉइनिस के साथ आप मतलब रोटेट करके आप कृणाल पांड्या को भी यहाँ से आप ड्रॉप कर सकते हो। कृणाल पांड्या को मैं सजेशन नहीं दूंगा यहाँ से। अगर डैनियल सैम्स खेलते हैं तो डैनियल सैम्स को आप रख सकते हो कल के मैच में, डैनियल सैम्स दूसरी टीम में। अभी यहाँ से बैटिंग वाले सेक्शन में देखो आप, केएल राहुल तो आपके विकेट वाले सेक्शन में आ गए हैं, आयुष बादोनी को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि बहुत कम लोगों ने इनको ट्राई किया है, और दीपक हुड्डा का तो अभी बहुत परफॉर्मेंस ख़राब आ रहा है, तो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कल के मैच में दीपक हुड्डा आपको ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। दीपक हुड्डा को ट्राई करना है आपको। अब ये 2 जो वाले सेक्शन बचे हैं, यहाँ पर शुभमन गिल और उर्दिमन शाह, यहाँ पर आप एक टीम में उर्दिमन शाह को ट्राई कर सकते हो और दूसरी टीम में आप सई सुदर्शन को, यहाँ पर उर्दिमन शाह और यहाँ पर सई सुदर्शन, ये 2 प्लेयर अल्टी पल्टी से ले सकते हो आप, क्योंकि उर्दिमन शाह का भी इतना कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, लेकिन अगर चलते हैं तो उर्दिमन शाह चलेंगे या फिर सई सुदर्शन, दोनों में से एक, लेकिन शुभमन गिल का चलना तय है।
और आपके हार्दिक पांड्या, फिर आते हैं हार्दिक पांड्या, तो हार्दिक पांड्या को हमने लिया हुआ है और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में आपको इनको कैप्टन बनाना है क्योंकि कल के मैच में एक विकेट भी गिरा सकते हैं, चार ओवर पूरे करेंगे अपने कोटे के, तो ये इस हिसाब से अभी यहाँ पर हार्दिक पांड्या आपके ये फिक्स प्लेयर है, आप इनको फिक्स मान के चलो, और यहाँ से मार्कस स्टोइनिस फिक्स है। बाकी आप अल्टी बल्टी करना चाहो तो डैनियल सैम्स अगर खेलते तो डैनियल सैम्स को भी चांस दे सकते हो। अभी आते हैं बॉलिंग वाले सेक्शन में, बॉलिंग वाले सेक्शन में आपको रवि बिश्नोई को फिक्स रखना है, इधर से रवि बिश्नोई और आपके नवीन उल हक ये दो खिलाड़ी आपको इधर से फिक्स रखना है। अभी जो है गुजरात की तरफ से, गुजरात की तरफ से तीन खिलाड़ी आपको रखना है यहाँ पर ये तीनों सेक्शन में, तो आपके एक है राशिद खान, करामाती खान राशिद खान, दूसरे है मोहम्मद शमी और आपके तीसरे खिलाड़ी जो है या तो अल्जारी जोसेफ बन सकते हैं, या अल्जारी जोसेफ की जगह पर अगर ऑर्डन स्मिथ को मौका मिलता है तो ऑर्डन स्मिथ या अल्जारी जोसेफ, ऐसे समझो आप अल्जारी जोसेफ, यहाँ पर ऑर्डन स्मिथ, इन दोनों में से जो भी खेलेगा इन दोनों में से एक को रखना है आपको। तो यहाँ पर आपको गुजरात की तरफ से तीन बॉलर मिल जाएंगे और ऑलराउंडर वाले सेक्शन में एक खिलाड़ी मिल जाएगा हार्दिक पांड्या, और बैटिंग वाले सेक्शन में शुभमन गिल या वर्धिमान शाह या साई सुदर्शन, और गुजरात की तरफ से आपको लखनऊ की तरफ से केएल राहुल विकेट वाले सेक्शन में। तो ये था टीम का कुछ लेखा जोखा, इस हिसाब से अगर आप 10 टीमें बनाते हो तो आपको यहाँ पर खाली रोटेट करते रहना है, कैप्टन आपको हार्दिक पांड्या को देना ही देना है कल के मैच में, ये याद रखो आप, हार्दिक पांड्या कल चलने वाले हैं, हार्दिक पांड्या को कल आप कैप्टन बना सकते हो बिंदास, और यहाँ से राशिद खान को वीसी बना सकते हो कल के मैच में, क्योंकि ये विकेट जो है दोस्तों यहाँ पर बॉलिंग विकेट है, जो भी पिच है यहाँ पर बॉलर को सपोर्ट करेगा, तो राशिद खान को आप वाइस कैप्टन रख सकते हो और कैप्टन हार्दिक पांड्या को। अगर आप दूसरी टीम बनाते हो तो दूसरी टीम में मैं आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पर दीपक हुड्डा की जगह पर आप आयुष बादोनी को भी रख सकते हो आप इस दीपक हुड्डा की जगह पर, और अगर आपका मन करता है और ज़्यादा टीमें बनाने का तो बैटिंग वाले सेक्शन में दो या तीन ही सेक्शन रखना है आपको, ऑलराउंडर वाले सेक्शन में एक बॉलर में से हटाकर ऑलराउंडर वाले सेक्शन में भी भर सकते हो, यहाँ पर चार बॉलर कर सकते हो, अगर ये भी कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर लेते हो तो तीसरा चौथा कॉम्बिनेशन आप छः बॉलर रख सकते हो ऑलराउंडर वाले सेक्शन में, खाली हार्दिक पांड्या को ट्राई कर सकते हो। तो कल के मैच में हार्दिक पांड्या ट्रम्प कार्ड है और दीपक हुड्डा, तो कैप्टन हार्दिक पांड्या और वाइस कैप्टन राशिद खान। तो ये था दोस्तों दोनों टीमों की तरफ से कुछ लेखा जोखा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको समझ में आए कि कैसे टीम बना हुआ है। यहाँ पर आप ये सेक्शन का फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी हिसाब से इसी क्रम से आप विन करने के चांसेस बनेंगे इसी टीम से खेलते हो। तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।